बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 17 चैप्टर 2 में से जो है सेक्शन 17 को देखेंगे, जो कि है फ्रॉड। हमने क्या पढ़ा था, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हमने क्या चीज़ें कवर की थी। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या देंगे, प्रपोजल मेड करेंगे, ठीक है। प्रपोजल जब आपने प्रोमिसर ने प्रपोजल मेड कर दिया, उसमें वो क्या करेगा, ऑफ़र देगा। उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी प्रोमिसी, अगर एक्सेप्ट कर लेता है उस ऑफ़र को तो फिर वो क्या बन रहा था, वो एक्सेप्टेंस के बाद प्रोमिस बन जाता था। प्रोमिस बनने के बाद उसके अंदर जब आप कंसीडरेशन ऐड कर रहे थे तो वो क्या बन रहा था, कंसीडरेशन एडिंग करने से उससे क्या बन रहा था, वो एग्रीमेंट बन रहा था। बिकॉज देयर इज़ नो एग्रीमेंट विदाउट एनी कंसीडरेशन, एंड कंसीडरेशन के बगैर कोई एग्रीमेंट नहीं। अब एग्रीमेंट बन गया, अब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमारे पास कंडीशंस थी, क्योंकि तमाम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर उनमें ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होंगी, जो सेक्शन 10 में हमने पढ़ी थी, वो कंडीशंस अगर नहीं होंगी तो वो कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। वो कंडीशंस क्या थी, अगर हम रिवाइंड करें तो उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि भाई पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, इट मीन कि वो मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसका जो ऑब्जेक्ट हो वो भी लॉफुल होना चाहिए और कंसीडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए। इसके बाद हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि वो जो है पर्सन जो है वो नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ ना हो, ठीक है। और इसमें लास्टली हमने जो चीज़ पढ़ी थी, अब हमारी मेन चीज़ निकल के आ रही है, वो थी फ्री कंसेंट। कंसेंट क्या पढ़ा था हमने, कंसेंट को हमने सेक्शन 13 के अंदर कंसेंट पढ़ा था, जिसमें हमें ये बताया गया था कि कंसेंट क्या है। कंसेंट क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा कर लें, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं किसी भी चीज़ पर, ठीक है, सेम सेंस में सेम चीज़ पर जो है वो एग्री हो जाएं किसी भी काम को करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, वो कंसेंट है। लेकिन उस कंसेंट के अंदर अगर सेक्शन 14 वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी उसके अंदर अगर मिसरिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, कॉर्जन आ जाएगा, अंडू इन्फ्लुएंस आ जाएगी, फ्रॉड आ जाएगा, या फिर मिस्टेक, ये पांच चीज़ें, इतनी फाइव चीज़ें ये आ गई किसी भी कंसेंट में, कंसेंट अगर इनके थ्रू ली गई पांच चीज़ों के, तो वो क्या समझा जाएगा कि वो क्या है, वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। अच्छा, इसमें एक और भी है, देखें, अगर कंसेंट हमने ले ली, ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमने कंसेंट ले ली, वो कंसेंट हमने किससे ली, शुरू की पांच चीज़ें ले लें, चार चीज़ें ले लें, किससे ली हमने, उसको हमने ले लिया कॉर्जन से, ठीक है। इसके बाद हमने उसको ले लिया मिस रिप्रेजेंटेशन से, इसके बाद हमने किससे ले लिया, इसके बाद हमने फ्रॉड से ले ली, ठीक है। इसके बाद हमने ले लिया जनाब, चौथे में आप ले लें अंडू इन्फ्लुएंस से, ठीक है। इन चार चीज़ों से अगर कंसेंट ली गई तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, यहाँ पर वॉइडेबल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल क्या मतलब, हमने पहले वैसे ये डेफिनेशंस में पढ़ा हुआ है, वॉइडेबल ये कि भाई वो पार्टीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, जो पार्टी जिसके साथ हुआ है ये, ठीक है, जो एग्रीव्ड होगी इसमें, उसके ऊपर हो जाएगा कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहे कि भाई इसको परफॉर्म कर दो, और चाहे तो वो रिज़ाइन कर दें, यानी दूसरी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो अगर हम फ्री कंसेंट में हमने जो है एक और एलिमेंट है इसमें, वो आखिरी रह जाता है मिस्टेक। मिस्टेक में अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया होगा ना, थ्रू मिस्टेक कंसेंट ली गई होगी, तो वो वॉइड है, बस वो ख़त्म है। ये चीज़ें हैं इसमें। अब हम सेक्शन 17 को देख लेते हैं कि ये क्या कहता है, ठीक है। फ्रॉड, एक सेकेंड, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव एनी अदर पर्सन पार्टी देयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फ्रॉड का जो मतलब होता है ना, इसका मतलब ये है कि हर वो एक्ट जिसका मकसद पर्पस क्या हो, दूसरे को डिसीव करना, धोखा देना, तो वो क्या है, फ्रॉड है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि एक पार्टी कह लें, ठीक है, एक पार्टी, ठीक है, या फिर कह लें कि उसका एजेंट, पार्टी खुद या फिर उसका एजेंट क्या करता है कि दूसरी पर्सन को या फिर उसके एजेंट को, इसमें सिर्फ पर्सन पार्टी की अपनी बात नहीं हो रही कि वो इटसेल्फ खुद जो है वो करे, नहीं, इसमें इसकी एजेंट की भी बात हो रही है, प्रिंसिपल का एजेंट जो होगा वो भी, उसकी भी बात हो रही है। अगर वो ठीक है क्या करता है, किस इंटेंशन से, एजेंट भी हो जाए या प्रिंसिपल खुद हो, ठीक है, पार्टी इटसेल्फ हो, ठीक है, तो क्या करे, इस इंटेंशन से कि दूसरे को धोखा दे या फिर उसको वर्गलाता है, इंड्यूस करता है, किस पर्पस के लिए, कि वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाए, उसके साथ एग्रीमेंट कर ले, इस पर्पस के लिए, तो वो क्या कर रहा है इधर, ये कहलाता है फ्रॉड। उसने क्या किया, फ्रॉड किया। अब इसमें जो है ये पांच सिचुएशंस बताई हुई हैं कि किस तरह जो है फ्रॉड होता है।
जिसमें नंबर वन पे हमारे पास आ जाता है द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ डैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। यानी क्या कर रहा पर्सन, ऐसी सजेशन दे रहा है, ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि जो कि सच नहीं है, या फिर उसको पता ही नहीं है कि ये चीज़ है भी एग्जिस्ट करती है। वो इस तरह का उसको यकीन दिलाता है दूसरे पर्सन को, ठीक है, जो कि सच है ही नहीं या फिर उसकी नॉलेज में भी नहीं है। वो चीज़ इस तरह करे उसको बताए, ठीक है। या फिर नंबर टू द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। अच्छा, उसकी एग्जाम्पल में हम ले लें, जैसे क्या करता है कि एक सेकंड में यहाँ पे निकाल लूँ। देखें इसकी फर्स्ट की एग्जाम्पल में ऐसे लेते हैं हम, जैसे दो पार्टीज हैं, ठीक है, ए है और मिस्टर बी है, ठीक है। अब क्या करता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को एक जो है वो बैग बेच रहा है, ठीक है, कोई भी बैग बेच रहा है, ठीक है। अब ये इसको कहता है कि ये जो है भाई कोई ब्रांडेड बैग है, ठीक है, ठीक है। तो ये मिस्टर बी जो है इसकी बात पर यकीन कर लेता है। अब इस ए को इटसेल्फ भी ये नहीं पता होता कि ये वाकई ब्रांडेड है या नहीं है या ऐसे ही है ऑर्डिनरी बैग है, लेकिन ये इसको इस तरह से यकीन दिलाता है, इस तरह की इसकी स्टेटमेंट देता है, भले इसको नॉलेज तो समझ लें कि इसको इस बात का पता भी है कि ये नहीं है, यहाँ पर इसको ये ही नहीं पता कि है या नहीं है, ठीक है, जानबूझकर ये काम करता है। तो ये क्या समझा जाएगा कि यहाँ पर मिस्टर ए ने क्या किया, फ्रॉड किया, ठीक है। नंबर टू द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, ठीक है। क्या करना, छुपाना, कंसीलमेंट करना। छुपाना के इस सेंस में लें कि जो चीज़ उसको एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट करते हुए उसको चीज़ वो बतानी चाहिए थी वो नहीं बताता, उसको कंसीलमेंट करता, उसको छुपाता है, उसको उस चीज़ की नॉलेज भी होती है उसको, लेकिन फिर भी जानबूझकर जो है इंटेंशनली उसको क्या करता है, कंसीलमेंट करता है। तो ये भी क्या है, फ्रॉड है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर इंस्टेंस, एक सेकेंड, जैसे दो पार्टीज हैं, ए और दूसरी है हमारे पास मिस्टर बी, ठीक है। अब मिस्टर ए क्या करता है, अपनी कार सेल करता है, अब उसके अंदर डिफेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन ये इसको नहीं पता था, इसको ये इस बात की पूरी नॉलेज होती है कि इसके अंदर डिफेक्ट है, डिफेक्टिव है, लेकिन ये इसको नहीं बताता, मिस्टर बी को नहीं बताता। अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एक्टिव कंसीलमेंट कर रहा है ना, जो चीज़ इसको बतानी चाहिए थी वो चीज़ नहीं बता रहा, तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक्टिव कंसीलमेंट की। अब हमारे पास नंबर थ्री आ जाता है, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। कोई भी ऐसा प्रॉमिस कर लेना, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रॉमिस कर लेता है कोई भी पर्सन जिसको उसकी इंटेंशन होती नहीं है कि एट द इन द फ्यूचर जो है वो उसको परफॉर्म करेगा, नहीं, उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती, वो बस जैसे ऐसे बोल रहा होता है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि उसको वो फ्यूचर टाइम पर जो है वो परफॉर्म करेगा या कुछ भी, या जैसे कोई एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, अब चेंज कर लेते हैं पर्सन। अब मिस्टर ए के मिस्टर सी और दूसरा है मिस्टर डी, ठीक है। अब क्या करते हैं जनाब, इसमें यह है कि अब वो क्या कर रहे हैं कि इसमें ये जो है इसको इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ दे देता है, ठीक है। अब ये चीज़ तो ले लेता है, ठीक है, और क्या कर लेता, ओनरशिप भी ले लेता है उसकी, ठीक है। अब इसकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि ये जो है इसको पैसे देगा, ठीक है। अब इसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि इसने फ्यूचर टाइम में इसको पैसे देने, प्रॉमिस कर लेता है लेकिन इसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई ये परफॉर्म करेगा। तो इस तरह का जो है प्रॉमिस करना जिसकी कोई उसकी इंटेंशन ही ना हो परफॉर्म करने की, ठीक है। इसके बाद है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या कोई भी ऐसा अमल करना, कोई भी ऐसा एक्ट करना जो लगता ही हो कि धोखा देने के लिए ही किया गया है, ठीक है। या फिर कोई भी लास्ट है हमारे पास, कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो जो लॉ ने जो है उसको डिक्लेयर किया हो कि ये फ्रॉड ही है। अब इन सिचुएशंस में क्या है कि ये सब दूसरी पार्टी के ऊपर जो कि एग्रीव्ड हो गई हो, ठीक है, उसके ऊपर है, जिसको कोई लॉस हुआ हो उसके ऊपर है कि वो अब चाहे तो उसके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, रिज़ाइन कर दे, या फिर उसको क्या करे कि बोले परफॉर्म कर लें, लेकिन वो बोले कि भाई जैसे आपने जो कंडीशंस आपने बोली थी ना, जैसे जैसे आपने बताया था उसको सच करो, तो फिर इसको जो है आप क्या कर लो, मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ। जैसे इधर हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे हमारे पास आ जाते हैं ये दो पर्सन, ठीक है, एक है मिस्टर वाई और दूसरा है जनाब मिस्टर जेड, ये दो पर्सन हैं, इन दोनों ने आपस में कॉन्टेक्ट कर लिया। मिस्टर वाई ने अपनी कोई भी आप चीज़ ले ली, ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल ले ली, ठीक है, मोटर बाइक ले लें, मोटर बाइक जो है इसको सेल कर दी, जो कि इसने मिस्टर एक्स ले लें, मिस्टर एक्स को मॉर्गेज की हुई थी,
ठीक है, अब इसने इसको तो ये नहीं बताया, ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या किया, फ्रॉड तो कर दिया। अब ये मिस्टर जेड के ऊपर है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे या चाहे तो इसको रिज़ाइन कर दे। अगर वो परफॉर्म करने का बोलता है तो बोलेगा कि भाई इस जैसे आपने इसको बताया था ना कि इसने तो ये इसको बताया ही नहीं था, इसको कंसील किया था कि ये जो मॉर्गेज है ही नहीं, ठीक है। अब वो क्या बोलेगा कि भाई इसको छुड़वाओ, इससे इसके ड्यूज जो भी हैं वो सारे पे करो, इसको आज़ाद करो, इसके बाद मुझे ये दे दो, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ। या चाहे तो वो ये भी कह सकता है कि भाई इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिज़ाइन कर दूँ, मैं नहीं परफॉर्म करना चाहता। तो ये कुछ भी कर सकता है। ये इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, मैं बता दे रही हूँ, जैसे हम फ्रॉड से कंसर्न ली गई हो, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन से, या अंडू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में, या फिर 15 में कॉर्जन से, इन तरीके से का चार तरीके, वैसे पांच हैं कंसेंट फ्री कंसेंट, कंसेंट जो है हमने पढ़ा ना, फ्री कंसेंट नहीं होगी जब पांच हैं वैसे, लेकिन चार में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा, और जो पांचवा है ना वाइडेबल है, एक सेकेंड, जो पांचवा है ना उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ना वो होगा वाइड, वो तो इट्सेल्फ ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वाइडेबल में पार्टीज़ की ऑप्शन के ऊपर है। वो चाहे तो उसको परफॉर्म करने का कह सकते हैं कि हाँ ठीक है इसको परफॉर्म करते हैं, और चाहे तो उसको लगता है कि भाई मुझे लॉस हो रहा है, वाकई मुझे लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, मैं वाकई एग्रीव हो जाऊँगा तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई इसको रिज़ाइन कर दो, ख़त्म कर दो। तो ये पार्टीज़ के ऑप्शन के ऊपर है। ये था हमारा सेक्शन 17। शुक्रिया।